नमस्कार, मैं भूमिका शर्मा काम्या न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। संप्रदेश लक्षद्वीप के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशासक प्रफुल्ल पटेल एवं भाजपा नेता द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लक्षद्वीप में 1200 करोड़ के कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप के विकास के आड़े आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समापन होगा और लक्षद्वीप के नागरिकों का जीवन सरल बनाने का उद्देश्य सिद्ध होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लक्षद्वीप में कम समय में शिक्षा, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं और आगे भी इसी गति से संप्रदेश का विकास इस कर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। नमस्कार। लक्षद्वीप अनेक संभावनाओं से भरा है, लेकिन आजादी के लंबे समय तक लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। भले ही शिपिंग यहां की लाइफलाइन रही हो, लेकिन यहां पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर ही रहा। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यहां तक कि पेट्रोल डीजल के लिए भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इन सब चुनौतियों को अब हमारी सरकार दूर कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनीकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। इससे सरकारी सेवाएं हो, इलाज हो, एजुकेशन हो, डिजिटल बैंकिंग हो, ऐसी अनेक सुविधाएं और बेहतर होगी। लक्षद्वीप में लॉजिस्टिक सर्विस का हब बनाने की जो संभावना है, उनको भी इससे बल मिलेगा। लक्षद्वीप में भी हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला नया प्लांट इस मिशन को और आगे बढ़ाएगा। इस प्लांट से हर रोज 1.5 लाख लीटर पीने का पानी मिलेगा। इसके पायलट प्लांट्स अभी कवरत्ती, अगत्ती और मिनीकॉय आइलैंड में लगाए गए हैं।